मूवी के स्टार्ट में हमें एक मिलर वाटर की कंपनी को दिखाया जाता है जिसमें एक एजेंट होता है वो पानी के अंदर पैथोजन की टेस्टिंग कर रहा होता है। ये एक अंडरकवर एजेंट है, वो कॉल कर एक वुमेन को बताता है कि हमारा ऑपरेशन पहले से भी ज्यादा क्रिटिकल हो चुका है। तभी एक आदमी पीछे से इस पर अटैक कर देता है और ये स्पेशल एजेंट के मुँह पर एक बैग डाल देता है। वो बैग आगे जाकर वाटर टैंक से कनेक्टेड था और फिर हम एजेंट को उसी बैग के अंदर मरता हुआ देखते हैं। दूसरी तरफ हम एक आदमी जिमी को देखते हैं जो आर्ट गैलरी के सामने खड़ा था। ये एक टैक्सी ड्राइवर था, ये आर्ट गैलरी में मौजूद एक वुमेन को काफी देर से देख रहा था जो कि सेल्स वुमेन थी। ये उस लेडी को बहुत ज्यादा पसंद करता था। जब इसका बॉस आता है तो इसे कहता है कि जल्दी से जाकर उसे अपने दिल का हाल बताओ ताकि वो तुम्हें जल्दी से रिजेक्ट कर दे। ये सुनकर जिमी का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और वो जल्दी से बाहर आ जाता है और आकर अपनी टैक्सी में बैठ जाता है। जिमी रेडी था कि ये उससे बात करेगा, मगर जैसे ही ये अपनी टैक्सी का डोर ओपन करता है तभी एक आदमी जो बाइसिकल चला रहा था वो जिमी के डोर से टकराता है और अपनी कमर के बल जाकर गिरता है। इस बात पर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है, वो जिमी पर अटैक करता है। वो जिमी को बहुत ज्यादा मार रहा था। जिमी अपनी कार के नीचे छुप जाता है। तभी हम जिमी के फ्रेंड को देखते हैं, वो आकर कहता है कि तुम इसे क्यों मार रहे हो। ये सुनकर वो आदमी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इससे पहले वो जिमी के फ्रेंड को भी मारता तभी वो एक ऑफिसर को अपनी तरफ आते हुए देखता है और ये इस जगह से उस ऑफिसर को देखकर फौरन ही गायब हो जाता है। इसके बाद जिमी अपनी कार में एंटर होता है। वहाँ पर बैठी हुई एक वुमेन को देखकर ये सरप्राइज हो जाता है कि जिमी से कहती है कि उसके बताए हुए एड्रेस पर ये उसको पहुँचा दे। जिमी की सारी हिस्ट्री के बारे में रिसर्च कर रही थी, ये चेक कर रही थी कि जिमी के पास कितनी ज्यादा एबिलिटीज हैं। हम देखते हैं कि ये जिमी को एक चैलेंज ऑफर करती है। वो कहती है कि अगर उसका मेकअप खत्म होने तक जिमी उसको उसके घर पर पहुँचा दे तो वो जिमी को डबल पे करेगी। जिमी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। जिमी को हम देखते हैं कि जिमी बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा होता है और जिस जगह पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी इसके बावजूद ये बार बार अपनी गाड़ी को रिवर्स कर चला रहा था और इस लेडी की जगह पर इसका मेकअप खत्म होने से पहले जिमी इसको पहुंचा देता है। ये लेडी जब अपनी जगह पर पहुंच जाती है तो ये जिमी को एक जॉब ऑफर करती है। ये लेडी कहती है कि तुम्हें इस जॉब में मिस्टर क्लार्क के साथ काम करना होगा और तुम्हें एक वीक के $2,000 दिए जाएंगे। ये सुनकर जिमी बहुत ज्यादा खुश हो गया था और अगले ही दिन इस जॉब के लिए चला जाता है। यहाँ पर वो लेडी एक लिस्ट दिखाती है, कहती है कि अगर तुम्हें मिस्टर क्लार्क के साथ काम करना है तो तुम्हें इन सभी रूल्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। अब अगले दिन जिमी जब मिस्टर क्लार्क से मिलता है और ड्राइविंग कर रहा होता है तो वो जिमी को बताते हैं कि वो किसी रूल्स बुक को फॉलो नहीं करते और ना ही उन्हें लगता है कि किसी रूल्स पर चलना चाहिए। वहीं पर हम उस एजेंट की लाश को देखते हैं जिसको एग्जामिन किया जा रहा था, वही एजेंट जो हमें मूवी के स्टार्ट में वाटर फैक्ट्री में दिखाया गया था। इसको एग्जामिन कर ये पता लगता है कि इस आदमी की मौत बाथ टब में हुई जिसकी वजह से उसका सर भी जख्मी हो गया और वो डूब कर मरा। वो लेडी डॉक्टर बताती है कि एक्चुअली में इस आदमी की मौत नहीं बल्कि इसका मर्डर हुआ है। इसको ऐसा पानी पिलाया गया था जिसके अंदर बैक्टीरिया था और ये बैक्टीरिया अगर इंसान की बॉडी में चला जाए तो वो प्यास से मर जाता है। सीनियर इन्वेस्टिगेशन इसका टैलेंट देखकर हैरान रह गया था और अब वो इस लेडी को कहता है कि तुम्हें अपना टैलेंट अच्छी जगह पर यूटिलाइज करना चाहिए। वो ऑफर करता है कि अगर वो चाहे तो वो एजेंट क्लार्क के साथ काम कर सकती है। ये लेडीज ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। मिस्टर क्लार्क को देखते हैं जो एक पर्टिकुलर बग को एग्जामिन करता है और साथ ही वहाँ पर मौजूद यंग लेडी से बहुत ही ज्यादा पोलाइटली बात करता है। इसके बाद हम क्लार्क को रात को देखते हैं, वो उसी लेडी के साथ डांस कर रहा था। तभी वहाँ पर एक वेटर आता है जिसके हाथ से ड्रिंक्स का ट्रे गिर जाता है, मगर मिस्टर क्लार्क उस ट्रे को भी बहुत ही स्मूथली तरीके से पकड़ लेते हैं। जिमी मिस्टर क्लार्क से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हम जिमी को देखते हैं जो मिस्टर क्लार्क के सूट को संभाल रहा था। तभी वो क्लार्क की टैक्सीडो को देखता है। ये टैक्सीडो क्लास के अंदर पड़ी थी। जिमी क्लास में खुद को देखता है और खुद को इस टैक्सीडो में फिट करने की कोशिश करता है, पर तभी वो क्लास के रिफ्लेक्शन में मिस्टर क्लार्क को देखता है। तभी मिस्टर क्लार्क बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो कहते हैं, जिमी मैंने तुम्हें कोई भी रूल नहीं बताया, मगर एक रूल है और वो रूल ये है कि तुम कभी भी मेरे टैक्सीडो को टच नहीं करोगे। ये सुनकर जिमी भी बहुत ज्यादा डर गया था, मगर तभी मिस्टर क्लार्क अपना मूड ठीक कर लेते हैं और जिमी से डिनर का कहते हैं कि चलो कहीं बाहर डिनर
कॉर्नर पर जाते हैं। बैक सीट पर बैठकर मिस्टर क्लार्क एक नोट पर इंसेक्ट को ड्रॉ कर रहे थे और कुछ लिख रहे थे। फिर ये लोग जब एक रेस्टोरेंट पर पहुंचते हैं तो जिमी मिस्टर क्लार्क को कहता है कि यहाँ पर पिज्जा नहीं मिलता, मगर मिस्टर क्लार्क पिज्जा ऑर्डर करते हैं। मगर तभी जिमी ये देखकर हैरान हो जाता है, उनका पिज्जा रेडी हो गया था और ये पिज्जा एक लेडी लेकर आई थी। मगर तभी जिमी को पता चलता है कि इस बॉक्स में पिज्जा नहीं था बल्कि एक लेटर था, वो लेटर जिसमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी। अब ये लोग जैसे ही यहाँ से जाते हैं तभी एक आदमी जो कि स्केटबोर्ड पर था कहीं से आकर इनकी कार से टकरा जाता है। ये लोग मिस्टर क्लार्क की कार के पीछे एक बॉम्ब को फिट कर देते हैं और एक बॉम्ब को स्केटबोर्ड के नीचे भी लगा देते हैं। जब मिस्टर क्लार्क की स्केटबोर्ड को देखते हैं तो वो जिमी को बताते हैं कि स्केटबोर्ड पर बॉम्ब फिक्स है, हमें जल्द से जल्द इस कार से बाहर निकलना होगा। ये लोग एक जगह पर कार रोकते हैं और मिस्टर क्लार्क जल्दी से जिमी को लेकर इस कार से दूर चले जाते हैं। बॉम्ब फट जाता है। अब जिमी तो बच जाता है मगर मिस्टर क्लार्क के सर पर बहुत ज्यादा चोट लगती है, उनके सर से खून बह रहा था, इस वजह से वो बेहोश होने वाले थे। वो जैसे ही नीचे गिरते हैं तो जिमी उनसे पूछता है ये सब किसने किया है, जिस पर वो नाम बताते हैं कि ये वॉल्टर ने किया है। जिमी जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है और वो मिस्टर क्लार्क का नाम भी बताना चाहता था, मगर मिस्टर क्लार्क जिमी से कहते हैं कि पुलिस को इन्वॉल्व मत करो, तुम्हें किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना। जिमी जब मिस्टर क्लार्क की डिटेल बता रहा होता है तो मिस्टर क्लार्क उसको अपना कार्ड दिखाते हैं जिसमें उनकी इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। उनकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो गई थी और साथ ही में वो जिमी को अपनी वॉच भी देते हैं और कहते हैं कि इसे पहन लो। इसके बाद हम जिमी को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो उसी लेटर को पढ़ने जाता है जो मिस्टर क्लार्क को पिज्जा के बॉक्स में दिया गया था, मगर जैसे ही वो लेटर के एनवेलप को ओपन करता है वो लेटर खुद ब खुद जल जाता है। एक नर्स आकर जिमी को बताती है कि क्लार्क पहले से बेहतर है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो साथ ही जिमी को एक नोटबुक का पेज भी देती है जिस बुक पर कार में बैठकर क्लार्क इंसेक्ट को ड्रॉ कर रहे थे। वहाँ पर हम वाटर कंपनी के हेडक्वार्टर्स में देखते हैं जिसका ऑनर एक आदमी को मिलने के लिए बुलाता है, उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है। ये उस आदमी को पानी ऑफर करता है और वो आदमी पानी पी भी लेता है, मगर जैसे ही वो आदमी पानी पीता है उसका चेहरा बहुत ज्यादा अजीब होने लगता है। ऐसा लगता है कि उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी है और वो सुकड़ता जा रहा है। पानी में मौजूद ये बैक्टीरिया इस वक्त तुम्हारे ब्लड में पहुंच चुका है जिस वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा प्यास लगी है और इसी वजह से तुम्हारी मौत हो जाएगी। वो आदमी बैठा बैठा सुकड़ता जाता है और लास्ट में मर जाता है। वहीं पर हम जिमी को देखते हैं जिसके पास मिस्टर क्लार्क की दी हुई वॉच है। जिमी टैक्सीडो के क्लास के सामने था। जैसे ही वो क्लास जिमी की वॉच के सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है तो वो क्लास खुद ही खुल जाता है। जिमी अब उस टैक्सीडो को टच कर सकता था। ये टैक्सीडो पहन लेता है और ये सूट अब खुद ब खुद जिमी को अपने अंदर एडजस्ट कर लेता है। ड्रेस में मौजूद माइक्रो स्कैनर जिमी के न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर को मैप कर रहे थे और उसको चेंज कर रहे थे और हम देखते हैं कि जिमी में बहुत सारी एबिलिटीज इंट्रोड्यूस हो रही थी। वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो रहा था। वो जल्दी जल्दी अपनी टाई भी बांध लेता है जबकि वो कभी भी अपनी टाई बांध नहीं सका। सूट में मौजूद रोबोटिक डिवाइस जिमी को बताती है कि ये एक टेक्निकल यूनिफॉर्म है। जिमी अपनी रिस्ट वॉच में मौजूद बहुत सारे ऑप्शंस देखता है। गलती से वो डेमोलेशन का ऑप्शन चूज कर लेता है। उस ऑप्शन को चूज करते ही देखते ही देखते वो अपनी आसपास की चीजों को तोड़ने लग जाता है। अब वो चीजों को ठीक करने के लिए एंटी ग्रेविटी का ऑप्शन चूज करता है और हवा में ऐसे उड़ता है जैसे कि वैक्यूम में हो, और जब वो ग्राउंड पर गिरता है तो उसको मिस डेल कॉल करती है, वही एजेंट जिसके टैलेंट को देखकर सीनियर एजेंट ने उसको जॉब की ऑफर की थी। वो जिमी को कॉल कर बुलाती है। उसको लग रहा था कि ये मिस्टर क्लार्क हैं। वो बताती है कि हमारा काम है वाटर फैक्ट्री के ऑनर मिस्टर बैनिंग अपनी मीटिंग में क्या डिसीजन लेने वाले हैं। इन्हें पता चलाना था कि वो क्या प्लान कर रहे हैं। अब जिमी मिस डेल को मिलने के लिए सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच जाता है। वो जिमी को टावर के टॉप पर लेकर जाती है। जिमी को राइफल असेंबल करने का कहती है। ये सूट की हेल्प से जल्दी जल्दी राइफल को असेंबल करता है, एक छोटी सी लिसनिंग डिवाइस को शूट कर देता है उसकी लोकेशन पर। अब जब डेल बैनिंग की बातों को सुन रही होती है
तब उसको पता चलता है कि वाटर को कंटेमिनेट करेगा उसी बैक्टीरिया से। और तभी हम देखते हैं कि जिमी को कोई आदमी पीछे से अटैक कर देता है। एक्चुअली में मिस्टर बैनिंग के लोगों को ये बात पता चल गई थी कि इन लोगों ने उन पर नजर रखी हुई है। वहीं पर हम इस डेल को देखते हैं जो अभी भी मिस्टर बैनिंग की मीटिंग में होने वाली कन्वर्सेशन को सुन रही थी। जैसे ही उसको पता चलता है कि जिमी पर किसी ने अटैक कर दिया है, वो उससे लड़ना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पर जिमी अपनी वॉच में ऑटो रिस्पॉन्स का ऑप्शन सेलेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो आदमी उसके साथ फाइट कर रहा था उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। मगर तभी वो अपना बैलेंस खो देता है और जाकर टावर से लटक जाता है। स्लिप होता जा रहा था और वो स्लिप होते होते टावर से नीचे गिर जाता है। अब डेल को ये लग रहा था कि शायद वो मर गया होगा और वो फौरन से यहाँ से भागने की ट्राई करती है। हम देखते हैं जिमी जो उस टावर से नीचे गिर रहा था, तभी उसने अपनी वॉच से एक स्टिकी टेक्नोलॉजी ऑन कर दी थी, जिसकी हेल्प से वो जाकर एक पाइप को पकड़ लेता है। पाइप पर चढ़कर वो वापस आता है और डेल को अपनी लोकेशन बताना चाहता था, पर तभी एक पाइप आकर उसके सर पर लगता है और वो सीमेंट में जाकर गिरता है। वहीं पर हम डेल को देखते हैं जो क्लार्क की कार में बैठकर यहाँ से दूर जाना चाहती थी, मगर जिमी इसका पीछा कर रहा था। वो इतना ज्यादा तेज दौड़ता है कि दौड़ते दौड़ते कार तक पहुँच जाता है। डेल बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस्टर क्लार्क मिशन को ऐसे लेकर परफॉर्म करेंगे। अब जिमी सॉरी बोलकर जा रहा होता है, तभी वो लेडी उसके कंधे पर हाथ रखती है, जबकि जिमी की वॉच में डिफेंस ऑप्शन ऑन था। तभी हम देखते हैं कि जिमी उस लेडी का हाथ घुमाकर उसको नीचे गिरा देता है। इसके बाद जिमी मिस्टर क्लार्क से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर जाकर वो देखता है कि क्लार्क पानी का नाम लेकर पानी के गिलास को नीचे गिरा देते हैं। वहीं पर जिमी को मिस डेल की कॉल आती है। वो उसको बताती है कि हमें एक जगह पार्टी में जाना है जहाँ पर बैनिंग होगा। वहाँ पर डेल उसके सूट में एक फ्लावर लगाती है जिसमें कि कैमरा है। ये लोग बैक डोर से एंट्री करते हैं। ये एक सिंगर से मिलने के बहाने अंदर जाते हैं। वहाँ पर सिंगर जिमी के कंधे पर हाथ रखता है। वो कहता है कि शो को एंजॉय करना, मगर जिमी का डिफेंस सिस्टम अभी भी ऑन था और वो उस सिंगर का हाथ घुमाकर उसको भी गिरा देता है। अब इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो सिंगर तो बेहोश हो गया था। वो अपनी वॉच का सिंगिंग मोड ऑन करता है और एक प्रोफेशनल की तरह गाना गाता है और शो में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तभी बैनिंग का एक आदमी आकर उसको बता देता है कि ये दोनों स्पेशल लेजेंड हैं। और ये सुनते ही बैनिंग वहाँ से निकल जाता है। बैनिंग के लोग भी नीचे मिस डेल के पास आ जाते हैं और उस पर अपना अटैक करना स्टार्ट करते हैं। डेल बार बार उनसे बचने की कोशिश कर रही थी। जिमी अपना डिफेंस मोड ऑन कर लेता है। वो उन दोनों आदमियों से लड़ता है। एक को तो वो विंडो से नीचे गिरा देता है। ये दोनों बैनिंग के लोगों से बच जाते हैं। बैनिंग को देखते हैं जिसके घर पर सेरेमनी हो रही थी। अब जिमी के पास तो अंदर जाने के लिए कार्ड नहीं था, इसलिए वो एक आदमी का कार्ड चोरी करता है और अपने सूट से स्कैन कर उस कार्ड की एक और कॉपी निकाल लेता है और ऐसे जिमी डेल के साथ एंट्री ले लेता है। अब पार्टी में ये दो लोगों को देखते हैं जो लैब का सामान लेकर जा रहे थे। ये दोनों उन दो लोगों का पीछा करते हैं। वो दो लोग स्विमिंग पूल के पास जाते हैं जिसमें पानी गहरा नहीं था। अब वो लोग स्विमिंग पूल से लैब के अंदर चले जाते हैं। जब ये जिमी और डेल भी लैब में पहुंच जाते हैं उनका पीछा करते हुए, यहाँ पर इनको पानी का सारा सीक्रेट पता चल जाता है कि वो कंपनी में कैसे काम करता है। वहीं पर बैनिंग और उसके लोग ये पता लगा लेते हैं कि एजेंट डेल और जिमी उनके लैब में पहुंच चुके हैं। अब बैनिंग के लोग डेल और जिमी को ढूंढने लग जाते हैं, मगर ये उनको ढूंढ नहीं पाते क्योंकि डेल जिमी के पीछे छुप जाती है और जिमी अपनी वॉच से गायब होने वाला ऑप्शन ऑन कर देता है। फिर ये दोनों पार्टी में वापस आते हैं। यहाँ पर जिमी मिस डेल को बताना चाहता था कि वो मिस्टर क्लार्क नहीं है। जिमी इससे पहले मिस डेल को कुछ बताता तभी कॉल आती है और वो डेल को सारी बात बता देती है कि ये मिस्टर क्लार्क का ड्राइवर है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेल जिमी को बाथरूम में लेकर जाती है और उससे वो टैक्सीडो उतरवा लेती है उसे गन पॉइंट पर लेकर। मगर जब ये खुद बाहर आती है तो बैनिंग के लोग इसको पकड़ लेते हैं और अब डेल बैनिंग का भरोसा हासिल करने के लिए वो टैक्सीडो उसको दे देती है, मगर उसने वो जो नेकलेस पहना हुआ था उसका बटन दबा देती है। उस बटन के ऑन होते ही सारी इन्फॉर्मेशन उसकी एजेंसी तक पहुंच जाती है, जिससे कि उन एजेंसी वालों को पता चलता है कि डेल को हेल्प चाहिए। वो लोग भी अब इसकी मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद हम जिमी को देखते हैं जो मिस्टर क्लार्क को लेटर लिख रहा था। उसमें ये बताना चाहता था कि उसने उनका टैक्सीडो खो दिया है और ना ही वो वाटर स्ट्राइडर के बारे में कुछ जान पाया, क्योंकि जब पिछली बार जिमी हॉस्पिटल गया था तो मिस्टर क्लार्क
बार बार वाटर स्ट्राइडर का नाम ले रहे थे। अब जिमी पानी पी रहा होता है, जैसे ही वो पानी पीकर ग्लास टेबल पर रखता है तो वो ग्लास उसके हाथ से गिर जाता है। तभी वो एक पेज पर वाटर स्ट्राइडर लिखा हुआ देखता है, तो उसको पता चल जाता है कि यही इंसेक्ट है जो पानी पर चल सकता है। और मिस्टर क्लार्क भी इसी वाटर स्ट्राइडर का नाम ले रहे थे। वहाँ पर हम डेल को देखते हैं जो बैनिंग के साथ लैब में जाती है। उसको ये बात पता चल गई थी कि बैनिंग वाटर स्ट्राइडर के जरिए ही बैक्टीरिया को पानी में एंटर करेगा, जिससे कि सभी कंपनीज का स्टोर किया हुआ वाटर इन्फेक्टेड हो जाएगा और पूरी दुनिया में सिर्फ उसी की कंपनी का पानी पीने के लायक रहेगा। डेल बताती है कि ये इंसेक्ट काम नहीं करेगा क्योंकि ये इस एनवायरनमेंट से कंपैटिबल नहीं है। उसका ये कहना था कि तुम्हारा प्लान फेल हो जाएगा। एक्चुअली में वो बातों से इनका टाइम वेस्ट कर रही होती है कि जब तक वो इन्हें पागल बना रही है, एजेंट यहाँ पर पहुँच जाए इसकी हेल्प के लिए। दूसरी तरफ हम जिमी को देखते हैं जो मिस्टर क्लार्क से दूर जा रहा था। तभी उसको वो सूट टैक्सीडो मिलता है जो मिस्टर क्लार्क ने उसके लिए ऑर्डर किया था। अलार्म बजता है और डेल को ये लगता है कि एजेंट्स इसकी हेल्प के लिए आए हैं, मगर एक्चुअली में जिमी था। बैनिंग सभी इंसेक्ट्स को छोड़ने का बोलता है और इसी दरमियान जिमी यहाँ पर सबसे फाइट करता है। जिमी बैनिंग से जीत नहीं पा रहा था क्योंकि उसका टैक्सीडो जिमी के टैक्सीडो से वीक था। वहीं पर हम इंसेक्ट्स को देखते हैं जो मुकम्मल मैच्योर हो गए हैं और साइंटिस्ट उनका पॉट खोलने के लिए जा रहे हैं, मगर तभी डेल सिस्टम में पानी डाल देती है जिससे सिस्टम खराब हो जाता है। इंसेक्ट्स को देखते हैं जो अभी ओपन नहीं हुए थे क्योंकि उनकी क्वीन अभी रिलीज नहीं हुई थी। वहाँ पर डेल अब क्वीन की पॉट को चुराने के लिए आती है क्योंकि अगर क्वीन रिलीज नहीं होगी तो बाकी इंसेक्ट्स भी बाहर नहीं निकलेंगे। मगर अब बैनिंग दोनों को पकड़ लेता है, एक हाथ से वो डेल को पकड़ता है और दूसरे हाथ से वो जिमी को पकड़ता है। पर तभी जिमी डेल के मुंह में सिगरेट डाल देता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए जिमी बैनिंग को नीचे गिरा देता है। अब बैनिंग तो बेहोश हो जाता है जबकि जिमी और डेल उस क्वीन के पॉट को लेकर भाग रहे होते हैं और साथ ही साथ बैनिंग के लोगों से फाइट करते हैं। फाइट के दौरान उस क्वीन का पॉट नीचे गिर जाता है और वो क्वीन बाहर आकर डेल के नाक पर बैठ जाती है। अब जिमी एक ग्लास के यूज से डेल के नाक पर जो क्वीन बैठी हुई थी उसको पकड़ कर रखता है और साथ ही साथ फाइट भी कर रहा था। तभी बैनिंग उठकर जिमी पर अटैक करने आता है, मगर तभी जिमी के पास जो ग्लास था जिसमें क्वीन थी वो बैनिंग की तरफ फेंकता है और वो ग्लास क्वीन के साथ ही बैनिंग के मुंह के अंदर चला जाता है। अब ये क्वीन बैनिंग के मुंह के अंदर चली गई थी, इस वजह से बाकी इंसेक्ट भी बैनिंग के मुंह के अंदर चले जाते हैं और बैनिंग देखते ही देखते सुखड़ कर प्यास की वजह से मर जाता है। तभी वो एजेंट्स जिनको डेल ने बुलाया था हेल्प के लिए, वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।